सिक्लिप एमआर टेबलेट जो कि बनाई जाती है क्लिममेड फार्मा के द्वारा बनाई जाती है। 10 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका एमआरपी 98 रुपीज़ रहता है। तो ये टेबलेट जिसके अंदर कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर एसिक्लोफिनेट 100 mg रहता है, पैरासीटामोल 500 mg रहता है और क्लोरहेक्सिजोन इसके अंदर 250 mg रहता है, जो कि मस्कुलर पेन में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है मार्केट में, तो वो सब बातें ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाऊंगा ताकि एसिक्लोपिल एमआर टेबलेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो एसिक्लिप एमआर टेबलेट जो कि बनाई जाती है ये क्लिममेड फार्मा के द्वारा बनाई जाती है। एसिक्लोफिनेक 100 mg रहता है, पैरासीटामोल 500 mg रहता है और क्लोरहेक्सिडोन इसके अंदर 250 mg रहता है। ये टेबलेट को स्टोरेज रूम टेम्परेचर के ऊपर ही करना पड़ता है। 98 रुपीज़ का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जो कि यूज़ होती है मस्कुलर पेन में, इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हेल्प करती है और रिलीव करती है मस्कुलर पेन से और भी ब्लॉक कर देती है सर्टेन केमिकल मैसेंजर को जो कि पेन के लिए, इंफ्लामेशन के लिए या फीवर के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, तो उसको कम कर देता है। तो ये टेबल केवल मस्कुलर पेन में यूज़ होने वाली टेबलेट है और अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हृदय दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, भूख लग सकता है, भूख कम लग सकता है और टाइटनेस हो सकते हैं और आपको नींद भी कम आ सकती है। तो इस टेबलेट को कैसे लेने का है कि इसका डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह से ले, जितना डॉक्टर बोले उतना ही ले और तोड़ के वगैरह नहीं ले, पूरा टेबलेट को ले, उसका टाइम और डोज फिक्स रखे ताकि बेटर एफिकेसी और बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। तो एसिक्लिप एमआर टेबलेट काम कैसे करती है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर 3 दवाई डाली गई है, एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल एंड इसके अंदर क्लोरहेक्सिडिन इसके अंदर डाला गया है जो कि पेन रिलीफ में काम करती है और ये ब्लॉक कर देती है सर्टेन केमिकल मैसेंजर को जो कि इंफ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है और मसल को रिलैक्स कर देती है और ब्रेन तक स्पाइनल कोड का एक सिग्नल भेजती है, जिससे क्या होता है स्टेपनेस वगैरह कम हो जाता है और मसल का मूवमेंट इम्प्रूव हो जाता है। तो ये ऐसे काम करती है। तो एसिक्लिप एमआर टेबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।